अरे पागल की बच्ची, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, तुम अब पठानों के हाथ में हो। आई समझ? या समझा दूँ तुझे? ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? क्योंकि तेरा उड़ना बेकार है, क्योंकि तू अब अपन के हाथ में है। ये वीडियो ख़ास तौर पे बच्चों को मशगूल करने के लिए, ठीक है ना? मैं बाद में इसे आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अभी मैं इसकी वीडियो बनाकर बच्चों को मशगूल करना चाहता हूँ, ठीक है? जिन बच्चों ने चिड़िया को गौर से नहीं देखा होगा, आज देख लेगा। ये रहा बच्चों, जो उड़ती हुई चिड़िया को देखा है ना, अब पठान के गिरफ्त में एक चिड़िया को की दीदार भी कर लो। ये इसका चोंच, चोंच बोलते हैं ना उर्दू में। अच्छा आंखें देखो, आंखें, ये रहा, ये रही आंखें, ठीक है? और ये एक नर होता है ना, एक होता है नर, जैसे हम मर्द कहते हैं ना, इसको इस तरह से ये मादा है, ठीक है ना? मतलब एक लड़का होता है, एक लड़की, बॉय एंड गर्ल, ये गर्ल है, ठीक है ना? इन परिंदों में मादा जिसे कहते हैं, ठीक है, मादा परिंदा है मतलब। अच्छा उड़ गया साली। अच्छा अब इसकी पीछे से ज़रा तस्वीर लेते। ये बैठ जा बेटा, ये देखो, ये इसका दुम, ये ओहो, अभी मैं पिलाऊंगा, पिलाने की कोशिश करूंगा इसको, ज़रा पानी, ठीक है ना? मैं इसको पानी पिलाने की कोशिश करूंगा, अगर ये खुद पी ले तो और भी अच्छा होगा, ना पिया तो मैं पिलाऊंगा, ठीक है ना? कहाँ जा रही हो? ये इसलिए नहीं पी रही क्योंकि मैं इसको दो तीन दफा पानी पिला चुका हूँ, ठीक है ना? ओ यार, जो परिंदों में जो बड़ा नर होता है ना, नर, ठीक है ना, वो काटता है, लेकिन ये जो है ना, ये छोटी छोटे परिंदे ये नहीं काट सकते आपको, ठीक है? ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानती कि ये पठानों के हाथ में है। पठानों के कब्जे में है। उफ़ अल्लाह, बस यार मैं अभी ऐसे छोड़ने वाला हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।